ना घर मेरा ना घर तेरा, बीच सराए डेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। राजा रानी पंडित ज्ञानी सुरवीर सब जाते हैं। 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 यति सती योगी सन्यासी कोई नहीं रह पाते हैं। यति सती योगी सन्यासी कोई नहीं रह पाते हैं। चंद्र रोज की चटक चांदनी फिर हो जाए अंधेरा है। समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। आज गया कोई कल गया कोई, चंद रोज गया कोई कल गया कोई, चंद रोज में जाए। सराय खाली रहे नहीं फिर नए मुसाफिर आएंगे। सराय खाली नहीं रहे फिर नए मुसाफिर आएंगे। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाओगे। मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाओगे। मौत खड़ी सिर ऊपर बंदे अंत काल पछताओगे। मौत खड़ी सिर ऊपर बंदे अंत काल पछताओगे। पछताए काल का फेरा है। पछताए क्या बने वीर जब लगे काल का फेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों, चिड़िया रैन बसेरा है।
जगत कमलवा फिर क्यों दीवाना है। दुनिया दौलत माल खजाना सभी छोड़ कर जाना है। दुनिया दौलत माल खजाना सभी छोड़ कर जाना है। समझ लो दुनिया वालों चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर मेरा ना घर तेरा बीच सराए डेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा बीच सराए डेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों समझ लो दुनिया वालों चिड़िया रैन बसेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों चिड़िया रैन बसेरा है। सोच समझ लो दुनिया वालों चिड़िया रैन बसेरा है। समझ में आया? अरे सोच समझ लो दुनिया वालों चिड़िया रैन बसेरा है। इसलिए अच्छे कर्म का वर्णन करो है। राम नाम का जाप करो, श्याम नाम का जाप करो, गोविंद नाम का जाप करो, जय द्वारकाधीश कहो, राधे राधे कहो, राधे गोविंद कहो, कुछ भी कहो कहो। हमारे यहां कहा कहते हैं मदन भैया, बालू की भीत, बालू समझते हैं मुरम जिसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे जो होती होगी, भीत का अर्थ होता है दीवाल। बालू की भीत धुआं को मंदिर, नीच की प्रीत कबेलों ने भई है। बालू की भीत धुआं को मंदिर, नीच की प्रीत कबेलों ने भई है। तुम राम को नाम को जाप करो फिर पाप के बाप का दूर दई। राम का नाम का जाप करो, बालू की जो दीवार है वो टिक नहीं सकती, धुआं का मंदिर बन नहीं सकता, नीच की प्रीति टिक नहीं सकती। लेकिन यदि राम जी के नाम का जाप किया तो फिर पाप के पिताजी को भी ललकारा जा सकता। आओ प्रभु, पाप के बाप का धूर दे। इसलिए माई बाप मनुष्य तन पार कर ऐसा बिगड़ी ना बन जाए। मेरी माँ पार्वती के प्रश्न सुने भगवान शिव ने, बड़े मन को भाए छल नहीं, क्योंकि आज सारा रामचरित्र भगवान शिव के हृदय में उभर आया। शरीर पुलकित होने लगा, प्रेमाश्रु नेत्रों से झरझर प्रवाहित होने लगे, रोमावली रोमांचित होने लगी। इतना सुख इतना आनंद आए है बाबा। दो दंड तक मगन हो गए। दो दंड का अर्थ होता है 48 मिनट। एक दंड में होते हैं कितने? 24 मिनट। और दो दंड में होते हैं 24 दुनी 48। 48 मिनट तक भगवान शिव मगन रह गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। अरे मन कहीं बाहर भीतर होता है। भगवान राम कहां आए हैं? हृदय के अंदर। तो जो अंदर है उससे मिलने अंदर ही ना जाना पड़ेगा बाबूजी।
जो इस गेट के अंदर होगा उससे मिलने मुझको उस गेट के अंदर जाना पड़ेगा ना, कि मैं यहाँ से कैसे मिलूंगा उससे। चूंकि राम जी का स्वरूप बाबा के हृदय के अंदर उभर आया तो अपने स्वामी से मिलने के लिए परमात्मा शिव अंदर चले गए। और जब 48 मिनट बीत गए तो राम जी ने कहा, बाबा यदि आप मुझ पर ही ध्यान लगाए रखे रहेंगे तो मैया बैठी हैं कथा सुनने के लिए, कथा कब सुनाएंगे? अरे इतना सुना, उन मन बाहिर की बाहर आए और कहा, देवी झूठ भी सत्य जान पड़ता है जिसको जाने बिना। ये झूठा जगत भी सत्य नजर आता है जब तक हम उस तत्व को नहीं जान लेते। और देवी जब उस तत्व सत्य को बारे में हम जान जाते हैं तो ये झूठा जगत गुम जाता है, हरा जाता है। जैसे स्वप्न में हम क्या देखते हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, आए हाय साहब जेट सिक्योरिटी लगी हुई है, लाल किले पे झंडा फहरा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं दुनिया भर का, और जब नींद खुलती है तो बेड के नीचे पड़े मिलते हैं। वो कल्पना का लोक नींद खुलते ही घूम जाता है। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सर्प की प्रतीति करा देती है, ठीक उसी प्रकार देवी जब तक जो ये परम सत्य है जीव नहीं जान पाता तब तक इस झूठे जगत में ही रमण करने लगता है। और जैसे ही उस सत्य के बारे में जान जाता ये झूठा जगत हरा जाता। ऐसा कहकर परमात्मा शिव ने मेरे प्रभु राम का मंगलाचरण किया है, वंदन किया है। मेरे शिव भगवान के ईष्ट मेरे राम जी बालक रूप में हैं, बाबा ने वंदन किया है। आइए हम आप भी वंदन कर ले। बाबा कहते हैं, बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदऊ बाल रूप सोई राम, जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन बालक रूप में है ईष्ट राम जी। क्यों? बालक किसी भी विधि से हर प्रकार से सुलभ होता है। बालक को कह दे लो बेटा डेयरी मिल्क ले लो तो बालक तुरंत गोद में आ जाता है। ए ले लो बेटा ये जरा पीपी ही ले लो, खिलौना ले लो, तो बालक तुरंत गोद में। वो नहीं जानता कि माता क्या पिता क्या, वो तो अबोध होता है ना बालक। इसी प्रकार भगवान बाल रूप में सुलभ है किसी भी विधि में। देखिए ठाकुर जी की सेवा बड़ी सरल है। हाँ, जो आप पहनना स्वयं को पसंद करते उससे एक गुना अच्छा ठाकुर जी को पहनाइए। हाँ, अपना खूब मालपुआ रबड़ी मटर पनीर छोला खाते हैं तो ठाकुर जी का भी पवाइए। अपना पहनते 10,000 का तो उनका 11,000 का पहनाइए। बालकों को नहीं, आदमी ब्रांडेड मदर केयर मी एंड मी नहीं, कान कान ब्रांड आने लगे भगवान। बालकों का कितना ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का जैसा ध्यान रखते हैं ऐसे ही ठाकुर की सेवा है। हाँ, हम लोग तो दवाई भी खाते था पहले इनका खिलाते, आगा हमारे गले में आ प्रभु आपके गले में बड़ा दर्द है जरा पी लीजिए,
तो जल्दी ठीक कर देते हैं। जिनके घर में भी भगवान श्री लड्डू गोपाल जी की ठाकुर जी की सेवा हो, भगवान को 7 दिन के 7 वस्त्र 7 श्रृंगार हैं, उसी प्रकार श्रृंगार करिए। बता देता हूं जो नहीं जानते हैं, रविवार के दिन भगवान अरुणांबर पहनते हैं। क्या पहनते हैं रविवार को? अरुणांबर का अर्थ होता है केसरिया ऑरेंज। जिस प्रकार सूर्य नारायण की किरणें होती है, सूर्य नारायण जब उदित होते हैं तो जो कलर सूर्य नारायण का होता है उसी कलर का वस्त्र भगवान धारण करते हैं। सोमवार को भगवान श्वेतांबर पहनते हैं, सफेद। मंगलवार को भगवान रक्तांबर पहनते हैं, लाल। बुधवार को भगवान हरितांबर पहनते हैं, हरा। गुरुवार को भगवान पीतांबर पहनते हैं, पीला। शुक्रवार को भगवान शुक्लांबर पहनते हैं, पिंक। पिंक ना मिल पाए तो फिर सफेद पहनाया जाता है, क्रीमिस पहनाया जाता है। शनिवार को दिन भगवान नीलांबर, नीला पहनते हैं। फिर आ गया अरुणांबर, 7 दिन के 7 श्रृंगार। ठाकुर की सेवा बड़ा मन को लगा कर सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। इस चौपाई को 99% लोग गलत गाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, कहिए मंगल भवन मंगल हारी। आगे क्या है? द्रबहु हु है कि हु है? माता जी क्या? हाँ बताइए माता जी। ऊ है, ऊ है कि हु है? ऊ मानस। जितने लोग बड़ा थे संपुट भी चिपका देते हैं, क्या लिखते हैं? द्रबहु। द्रबहु नहीं है, द्रबहु। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रमा परमात्मा, आप जो मंगल के भवन हैं, अमंगल का आरण करने वाले हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के आंगन में विहार करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा द्रवित होइए। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब ना पढ़िएगा गलत, हैं? हाँ गलत नहीं पढ़ना है। भगवान शिव ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के पश्चात जिसने कथा की रचना बनाई उसकी प्रशंसा की। देखिए, धन्य कथाकार नहीं होता है, ना धन्य कथाकार के साथ जो सहयोगी गण है वो है, धन्य कथा जो सुन रहे हैं वो भी नहीं है। तो धन्य कौन है महाराज? धन्य वो है जीव है जो इस कठिन कलिकाल में भगवान की कथा सुनाने की संरचना बना रहे, इसलिए धन्यवाद के पात्र है। हनुमान जयंती महोत्सव समिति के समस्त पद अधिकारी गण कार्यकर्ता इनके लिए जोरदार ताली। हाँ, इन सब का सहयोग भी करिए तभी ना सुनाते रहेंगे। कलिकाल में किसको फुर्सत है कथा करवाने की? शिव जी ने प्रशंसा की है मेरी मां की, और ऐसे प्रशंसा नहीं की है। कैसे प्रशंसा की है? सूत्र है, आप भाई साहब लोगों के लिए, सबके लिए सूत्र है, पुरुष वर्ग के लिए। शिव जी ने प्रशंसा कैसे की है? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। कैसे कहा है? हे गिरिराज की पुत्री, आप बड़ी धन्य हैं। आप और अपनी अर्धांगिनी से कह दो, बस इतना कह दो, सुनती हो? हाँ, तुम्हारे पिताजी कितने अच्छे हैं। अरे साहब, फिर आपके सिर में दर्द है क्या? लाइए दबा देती हूँ। आप मटर पनीर खाएंगे क्या? लाइए बना देती हूँ। कॉफी पिएंगे क्या? लाइए बना देती हूँ। पिता की प्रशंसा बस कर दो।
शिवजी ने सूत्र दिया, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। एक गिरिराज की पुत्री, आप बड़ी धन्यवान हैं, बड़ी विदुषी हैं, और आपके समान कोई और उपकारी नहीं। आपने परमात्मा श्री राम की पावन कथा प्रसंग को जानना चाहा। अरे यह कथा त्रैलोक को पावन करने के लिए गंगा जी के समान है। पार्वती जी, आपने कहा आपके मन में शंका है, मेरे हिसाब से आपके मन में कोई शंका नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। परमात्मा राम पर शंका तो वो जीव करता जिनने अपने इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी देवी, और जिस जीव ने अपने कानों से परमात्मा श्री राम की पावन कथा नहीं सुनी, उस जीव के कान कैसे सर्प के बिल के समान। सर्प के बिल में सर्प ही प्रवेश कर पाता है, अन्यत्र कोई और नहीं। देवी, जिस जीव ने अपने इन नैनों से, नेत्रों से संत भगवान का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र कैसे मोर के पंख में बने हुए नेत्र के समान। देवी, जिस जीव का यह सिर श्रेष्ठ गुरु द्विज संत भगवंत के सन्मुख नहीं झुकता, उस जीव का सिर कैसा कड़वी लोका के समान। देवी देवी, जिस जीव की यह जीवा मेरे परमात्मा श्री राम का पावन राम नाम नहीं गाती, वो जीवा वो मुख चमगादड़ के मुख के समान। चमगादड़ दोनों कार्य अपने मुख से ही करता है, दोनों कार्य। जो जीव राम जी का नाम नहीं गाता, उसका मुख कैसा, उसकी जीव कैसी। जीह सुदादुर जीह समान। देवी, वो छाती बड़ी वज्रवत है, बड़ी कठोर है, जो मेरे परमात्मा श्री राम के पावन यश को सुन के हुलसे नहीं। देवी, राम जी की यह लीला बड़ी लुभावनी है, देवताओं का हित करने वाली है, असुरों को मोहित करने वाली है। देवी, राम कथा साक्षात कामधेनु गाए है, कामधेनु गाय के बारे में आप सब जानते हैं। बोली हाँ या ना बोला करिए, क्या जानते हैं। अरे बोलिए, कोई वो थोड़ी है, प्रतियोगिता थोड़ी है कि कोई दंड देना है हमको। जी हाँ, कामधेनु, कामधेनु से आप कुछ भी मांग लीजिए, कामधेनु दे देती है। तो राम कथा साक्षात कामधेनु है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यह कामधेनु सात्विक कर्मों को पूर्ण करेगी। अब कोई कहे हमारा पड़ोसी निपट जाए कथा सुनने के बाद, तो ये सब नहीं कथा करेगी। हाँ, एक बार एक व्यक्ति ने ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि प्रभु हम जो चाहें वो हमखा मिले। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक मिलेगा, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम जितना मांगोगे उससे दो गुना हम पड़ोसी को देंगे। कहा ठीक। इसने मांगा ब्रह्मा जी एक कार मिल जाए, तो ब्रह्मा जी ने इसके द्वारे पे एक, उसके द्वारे पे दो खड़ी कर दी। अरे ये बोला वाह, तप मैं करूं और फायदा ये पड़ोसी कमावे। फिर कहा ब्रह्मा जी हमारी कोठी बना दी। जो ब्रह्मा जी ने कोठी बनाई एक, इन्हें पड़ोसी की दो बन गई। ब्रह्मा जी फैक्ट्री बना दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने इनकी एक बनाई, उनकी दो बना दी। अब जो ये अच्छी अच्छी चीजें मांगे सब दोगुना, इनका एक गुना उनका दो गुना। अब ये भी थोड़ा सा दिमाग लाया, बोले अच्छा बहुत मौज ले रहा है। तो कहता क्या है, ब्रह्मा जी हमारी एक आंख फूट जाए। तो ब्रह्मा जी ने एक आंख फोड़ दी, इनकी एक आंख फोड़ी, पड़ोसी की तो दोनों निपटाई दी। कहे बस गया, कहा कहो बहुत गाड़ी दिखा रहे थे, तो इधर तो काना हुए तुम्हारे तो दोनों। जय जय
फिर कुछ दिन बाद बोलता है, ब्रह्मा जी हमारा एक हाथ टूट जाए। तब ब्रह्मा जी ने इनका एक तोड़ा, उनका तो दो ही तोड़ दिए। फिर पहुंचा साहब, कहता है इधर तो एक ही, तुम्हारे तो दोनों जय जय, बहुत पैसा उड़ा दान दे रहे थे, मेहनत मैं करूं उड़ा तुम रहे हो, इतने भी मैं संतोष नहीं हूं मिला। कहता है ब्रह्मा जी हमारे एक पैर टूट जाए। तब ब्रह्मा जी ने बेचारे इनका एक तोड़ा, उसका दोनों तोड़ दिए, ना आंख भी हाथ भी पैर भी। अब पड़ोसी का इतना मैं भी संतोष नहीं हुआ, 10 फीट का गड्ढा खुदवाया और दौड़ते दौड़ते गया और जाके उस पे गिर गया। तो ये तो 10 ही फीट गिरे, लेकिन पड़ोसी के लिए खुद गया 20 फीट। और पड़ोसी जाकर जैसे गिरा, बेचारा हाथ से भी गया, पैर से भी गया, आंख से भी गया, अंतो गत्वा जीवन से भी चला गया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहा भैया तुमने पड़ोसी ताप ही लिया है, पड़ोसी के तापने की सारी लीला तुमने बनाई ली, तो भैया ऐसा हम लोग ना करें, हाँ ठीक नहीं है, हम अपने तक ठीक है, अब हम लोग अपने तक रहें, दूसरे के सुख से, देखो आज का जीव अपने सुख से सुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से दुखी है, जो उसको मिला उससे वो सुखी नहीं है, दूसरे का देख देख कर दुखी हुए जा रहा है, ठीक आदत है। राम कथा आपकी समस्त कामनाओं को पूरा करेगी, ऐसा जानकर सत समाज भी इसकी सेवा करता, इसका स्नान करता, इसका श्रवण करता, लेकिन किसकी मनोकामना पूरी करेगी, जो इस काम राम कथा रूपी कामधेनु गाय की सेवा करेगा, जो गाय की सेवा करेगा वही दूध गाय का पिएगा, जो इस कामधेनु रूपी कथा की सेवा करेगा माई बाप, उसकी हर मनोकामना सात्विक मनोकामनाओं को यह राम कथा पूरी करेगी, ये मेरे स्वयं व्यासपीठ का विश्वास है, मेरे निज जीवन का अनुभव है। बाबा शिव ने राम कथा की महिमा का बखान किया है, आइए हम आप भी इस प्रसंग के आश्रय में थोड़ा राम कथा की महिमा को सुन ले। साधक कहते हैं, जनमन में रस धार भरेगी राम कथा, जनमन का उठा करेगी राम।
चिंता तुरत उदार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरत उदार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरत उदार नहीं है। सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा, सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा से। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा से। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा से। सरल प्रेम से सुनने आते, राम कथा जो श्रवण कराते, सरल प्रेम से सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, सरल प्रेम से सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, सरल प्रेम धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा से। क्या करेगी महाराज? राम में राज साकार करेगी राम कथा। हम सबके जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। कोई राम राज्य नहीं ला सकता, इस गलत फहमी में मत रहिएगा। उत्तरकांड में राम राज्य का वर्णन है, आप पढ़िए। राम राज्य तो केवल आएगा जब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, राम जी के बारे में तौलेगा, राम जी के बारे में समझेगा, गुनेगा, गाएगा, उनके चरित्र का अनुसरण करेगा, अनुकरण करेगा, तब रामराज आएगा।
बच्चा बच्चा चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। बच्चों को अपना सिखाइए, बच्चों को आदत डलवाइए, आवश्यक है समाज की, आज के परिवेश में बड़ा आवश्यक है। आज का जमाना मॉडर्न हो गया है साहब। देखो पहनावा मॉडर्न होना चाहिए, रहना मॉडर्न होना चाहिए, आचार विवाह आचार विचार भी मॉडर्न हो जाए पर संस्कार और संस्कृति मॉडर्न नहीं होना चाहिए। ये तो साफ, जो पूर्वजों ने परंपरा दी है उस परंपरा का निर्वहन हम सभी को करना चाहिए, ये धर्म है। महाजनो ये न गता सपंथा, चलना चाहिए। कृष्ण कथा बाबूजी, कृष्ण कथा पीने की कथा है, राम कथा जीने की कथा है। यदि जीना है तो इस कथा को सुनना भी पड़ेगा, इस कथा को समझना भी पड़ेगा, इस कथा का अनुसरण करना भी पड़ेगा। एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। शिव जी ने कथा की महिमा को सुनाया, कहा देवी आपकी सारी बातें मुझे अच्छी लगी, बस एक बात अच्छी नहीं लगी। आपने कहा जिनके बारे में वेद पुराण शारदा मैया शास्त्र शेष मुनि धीन ध्यान धरते वो राम जी कोई और है। ऐसा तो देवी वो जीव की कहते जिन्हें मोह रूपी पिशाच ने जकड़ रखा है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लग गई है, जो न झूठ जाने न सच जाने न लाभ जाने न हानि जाने। देवी आपने पूछा सगुण जो निर्गुण है वो सगुण क्यों हुआ। देवी निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण है वही सगुण है। कैसे? जैसे जल और बर्फ में कोई भेद नहीं। देवी जल को जिस पात्र में डालो उस पात्र का रूप ले लेता, और जल को फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाता ना। ठीक उसी प्रकार सगुण ही निर्गुण है, निर्गुण ही सगुण है। गीतानंद जी का यहां पर भी पद है, वो सकल जगत आधार दुनिया क्या जाने, वो अविनाशी निर्विकार दुनिया क्या जाने, नहीं वो हाड़ मास की ढेरी, नहीं वो हाड़ मास की ढेरी, नहीं वो देह देह नहीं मेरी, नहीं वो देह देह नहीं मेरी, वो सबका जान निहार दुनिया क्या जाने, वो सकल जगत आधार दुनिया क्या जाने, भिक्षु भूप नरेश नहीं वो, भिक्षु भूप नरेश नहीं वो, नाम रूप का लेश नहीं वो, कालेश नहीं वो, वो साक्षी है निर्विकार दुनिया क्या जाने, वो सकल जगत आधार दुनिया क्या जाने। देवी मेरे राम जी साक्षात सच्चिदानंद घन हैं, सूर्य हैं, मोहरूपी रात्रि का वहां पर प्रवेश ही नहीं, सारे संसार को प्रकाशित करने वाले मेरे राम जी साक्षात माया के पति हैं, ज्ञान के निधान हैं। देवी ना मेरे राम का आज तक कोई आदि जान पाया, कहां से प्रारंभ हुआ ना कोई उनका अंत जान पाया,
ना उनके जन्म का किसी को पता, ना उनके अंत का किसी को पता। बस देवी अपनी अपनी मति के अनुसार वेद और पुराणों ने उनके बारे में ऐसा कहा है। माँ पार्वती ने पूछा, बाबा कैसा कहा है? शिव जी बोल पड़े, देवी बिनु पद चलाई सुनई बिनु गाना, बिनु पद देवी पैर नहीं है, बिना पैर के चलते बिना कान के सुनते हैं राम। आपको संपन्न करते हैं बारे में कहां लोग कहां तक बखान करूं, कहां तक मैं कहूं। देखो कुछ महाराज श्री हमारे गीत गाते हैं, आना है तो आराह में कोई फेर नहीं है, कोई फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। लोग कहते भगवान सुन नहीं रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। भगवान सब कुछ सुनते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, चीटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहब सुनता है। अब आप विचार कीजिए, चींटी कितनी छोटी और चींटी का वो पैर कितना छोटा, उस पैर के लिए घुंघरू कितना छोटा। अगर वो छोटी सी चींटी अपने छोटे से पैर पर छोटा सा घुंघरू बांध कर चले, उसकी ध्वनि भी परमात्मा के कान पर आती है। लोग पाप कर लेते, किसी का मर्डर कर देते, किसी का गहना चुरा लेते, रुपया चुरा लेते, किसने देखा? किसी ने नहीं, तुम्हारे बाप ने देखा, देखा है जिसने देखा है, और वही तुमका सच्चा दंड भी देगा। देवी उसकी महिमा के बारे में मैं कहां तक बखान आपसे करूं, देवी मैं क्या आपसे कहूं,
काशी में जो जीव अपने शरीर को त्याग देते हैं, वो जो जीव अपना शरीर काशी में त्याग रहे, उन जीवों को मैं शोक से रहित करता हूँ, जिनके नाम के भरोसे, जिन राम नाम के भरोसे, वही तो मेरे राम जी हैं, और अन्यत्र किसी और के संबल के भरोसे मैं शोक रहित नहीं करता जीव को, वही मेरे परमात्मा हैं। देवी राम जी अनंत हैं, अखंड हैं, अनादि हैं, ब्रह्म हैं। देवी मेरे भगवान शिव की इस प्रकार अमृतमय वाणी को सुना है जब माँ पार्वती ने, गदगद हो गई, कहा नाथ आपके अमृतमय वचन को सुनकर मैं धन्य धन्य हुई, मेरे हृदय में जो भीषण अग्नि जल रही वह शांत हो गई। अब मेरा जो प्रश्न है कि राम जी ने नर का शरीर क्यों धारण किया, क्या कारण है, भगवान नर के शरीर में नरावतार क्यों लिए? शिव जी ने कहा देवी भगवान श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र विपुल है, विशद है, वेद पुराणों ने गाया देवी। मेरे राम जी केवल इस कारण से ही, एकमात्र यही एक कारण है, इसलिए राम जी धराधाम पर आए, इसलिए नरावता लिया, ऐसा नहीं है देवी, कोई एक कारण नहीं है, अनंत अनंत कारण हो सकते देवी, एक नहीं है, हजारों कारण है। कहा देवी जैसा मैंने मुनियों के श्रीमुख से सुना है, संतों के श्रीमुख से सुना है, वेद पुराण में जैसी चर्चा है, महापुरुषों ने जैसा कहा है, और जैसा मेरी बुद्धि में फिट हुआ है, जो मुझे परमात्मा श्री राम के जन्म लेने का कारण समझ में आ रहा है, वह मैं आपके सन्मुख कह देता हूँ। भगवान शिव ने माँ पार्वती के प्रति बोला, गोस्वामी जी ने लिखा है, जब जब हो जब जब हो नरम के हानी, पढ़िया सूर अधम अभिमानी, पढ़िया सूर अधम अभिमानी, करही प्रभु कर बीबी शरीरा, तब तब प्रभु कर बीबी शरीरा, करही कृपा निधि सज्जन पीरा, करही कृपा कहा देवी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म को बढ़ाने वाले अधम जीव अभिमानी बढ़ जाते हैं, अनीति का वर्णन करते हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ब्राह्मणों को, गौ माता को, देवताओं को और धरती को त्रास देने लगते हैं, तब तब मेरे परमात्मा विभिन्न प्रकार के शरीर को धारण करके अपने भक्तों का, सज्जनों का कष्ट का हरण कर लेते, उनकी पीड़ा का भी हरण करते। शिव जी ने मेरी माँ पार्वती को
परमात्मा श्री राम क्यों किस कारण से नरक का शरीर धारण करके इस धराधाम पर आते हैं। इस कथा के मूल में राम जन्म के कारण में पांच कारणों के बारे में उल्लेख किया। कितने कारणों के बारे में? पांच। कहा देवी मैं आपको पांच कारण सुना रहा हूं, कुछ को मैं संक्षिप्तता सुनाऊंगा, कुछ का विस्तार करूंगा। सुनाया बाबा ने। कहा देवी श्री हरि विष्णु के दो द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सब को। बाबू जी बैठने में कष्ट तो नहीं है? कुर्सी में बैठ सकते हैं। जिनको भी कष्ट हो रहा नीचे बैठने में आराम से कुर्सी में बैठ जाइए, है ना। बुजुर्गों के लिए सब क्षमा है। हाँ अब युवान होकर बैठे हैं। ये तसव्वुर ओ जोशो जवानी चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तसव्वुर जोशो जवानी चंद लम्हों की है ये कहानी। ऐजिया शाम तक देख लेना, ऐजिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। ऐजिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जवानी तब के लिए है साफ। आजकल जवान बड़ा थका हुआ है, 5 मिनट काम करके नहीं आएगा, बस 15 मिनट का आराम चाहता है। गलत तो जो बुजुर्ग हैं आराम से बैठ सकते हैं ना। हाँ बाबू जी कष्ट नहीं होना चाहिए। अरे आप मेरे बड़े हैं, ऐसा नहीं। तो सुनाए कारणों में भैया। जय और विजय दो द्वारपाल हैं श्री हरि विष्णु के। एक बार भगवान श्री विष्णु ने बुलाया द्वारपालों को, कहा देखो द्वारपाल जय और विजय, अब हम थोड़ा विश्राम करने जा रहे हैं, हमारे विश्राम में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु गए, द्वारपाल द्वार पर खड़े हो गए। ठीक उसी समय सनकादिक ऋषि आ गए। कहा भैया जय और विजय द्वारपालों, हमको श्री हरि का दर्शन कर लेने दो। जय वज्र जी ने कहा मुनि श्रेष्ठों स्वामी विश्राम पर गए हैं, आज्ञा है स्वामी की विश्राम में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, इसलिए हे नाथ हमको क्षमा करिए। फिर कहा सनकादिक ऋषियों ने, लेकिन उत्तर वही, देखो द्वारपाल से विवाद नहीं करना चाहिए। द्वारपाल अपने मुख से अपने मन से कुछ नहीं कहता, जो उसके स्वामी ने उसको आज्ञा दे दी है उसका पालन वो कर रहा है। आदमी द्वारपाल से लड़ जाता है, हम कहा नहीं जानते हो, अरे तुमका जानता होता तो तुमका रोकता क्यों, नहीं जान रहा तभी तो रोक रहा है, लड़ जाता। गलत बात। कहा बार बार सनकादिक ऋषियों ने, जय और विजय ने वही उत्तर दिया, क्रोध में लाल हो गए। कहा भगवत दर्शन में बाधा उत्पन्न करते हो, जाओ 3 जन्म तक असुर हो जाओ। साप देकर सनकादिक ऋषि गए, इधर श्री हरि विष्णु जागे, द्वारपाल जाकर चरणों में गिर पड़े। कहा प्रभु आपकी सेवा में अब असुर होना पड़ेगा। भगवान ने कहा भैया कोई बात नहीं, अब मिल गया श्राप, तो आप असुर का देह धारण करोगे तो उस देह से मुक्त करने के लिए मैं आपके लिए नर का शरीर धारण करूंगा। पहले जन्म में विप्र के श्राप लगने के कारण दोनों भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। भगवान ने नरसिंह और वाराह का रूप धारण करके गति प्रदान की। देखिए श्रीमद् भागवत कहती कि पहले हिरण्याक्ष है फिर हिरण्यकश्यप है, लेकिन रामचरितमानस कहती कनक सिकु अरु हाटक लोचन, पहले हिरण्यकश्यप है फिर हिरण्याक्ष है।
दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए भगवान ने राम रूप में गति प्रदान की, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए भगवान श्री कृष्ण ने नर का स्वरूप धारण करके गति प्रदान की भगवान ने कृष्ण स्वरूप में। अगले जन्म के कारण में महासती वृंदा के प्रसंग को सुनाया। महासती वृंदा के पतिव्रत कवच को धारण करके, सतत्व के कवच को धारण करके जलंधर देवताओं को त्रास देता, इतना त्रास देता क्या कहा जाए साहब। देवताओं ने विनती की है, अंतोगत्वा भगवान ने जलंधर का स्वरूप बनाकर महासती के सतत्व को भंग किया है, युद्ध में जलंधर का अंत हुआ है। श्री हरि विष्णु को इस कृत्य के लिए महासती वृंदा ने शाप दिया, भगवान शालिग्राम के बटिया हो गए और महासती वृंदा तुलसी महारानी हो गई। बोली तुलसी महारानी की जय। शालिग्राम भगवान और तुलसी मैया का विवाह संपन्न होता है देव उठनी एकादशी के दिन। शालिग्राम भगवान को बिना तुलसी दल के रखा ही नहीं जाता और भोग शालिग्राम भगवान का ही लगता है। दल सीधे रखना चाहिए शालिग्राम पर, उल्टे नहीं, सीधे। चांदी की कटोरी में बढ़िया रुई लगाकर शालिग्राम भगवान को पधराकर तुलसी महारानी को बिल्कुल बाजू में रखकर जय जय शालिग्राम। वही प्रतापी असुर जलंधर रावण हुआ, भगवान ने राम रूप में आकर गति प्रदान की। आगे बाबा ने कहा देवी नारद शाप दीन एक बारा कलप एक तेरी लगी अवतार। देवी नारद जी ने एक बार भगवान का श्राप दे दिया, एक कल्प में भगवान की जन्म लेने की यह भी कथा है। अरे माँ सती ने कहा, माँ पार्वती ने कहा बस प्रभु 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 रुकिए। कारण कवन शाप मुनि दीना का अपराध रमापति की ना। अरे मेरे गुरु नारद जी तो विष्णु भगत हैं, ज्ञानी हैं, ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण श्री हरि विष्णु को मेरे गुरुजी ने श्राप दे दिया, देना पड़ गया, बाध्य कर दिया। इस प्रसंग को मुझे बाबा विस्तार पूर्वक सुनाइए। शिव जी ने कहा देवी अच्छी बात है, आपने कहा ज्ञानी मूढ़। देवी ना कोई यहां पर ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, बस बात समझने की केवल इतनी ही है, जिसको जिस क्षण मेरे राम जी जैसा बना दें वो जीव उस क्षण वैसा ही हो जाता है। वो चाहे जिसको जब ज्ञानी बना दें, अज्ञानी का मूड बना दें, ज्ञानी का मूड बना दें और मूड का ज्ञानी बना दें, अज्ञानी को ज्ञानवान बना दें, ज्ञानवान को अज्ञानी बना दें, जैसा वो चाहे। आपने कहा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। देवी सुनाने लगे, कहा देवी हिमाचल प्रदेश में एक गुफा है, विभिन्न वन प्रदेश कंदराओं को देखकर हुए आनंदित हुए हैं नारद जी, समीप में गंगा जी बह रही हैं, भगवान श्री हरि का ध्यान लगाया है नारद जी ने और ध्यान का प्रभाव इतना, नाम का प्रभाव इतना कि दक्ष के 100 पुत्रों को वैराग्य जब दे का उपदेश दिया था और वो दक्ष के 100 पुत्र जब घर नहीं आए तो दक्ष ने जो श्राप दिया था कि तुम एक जगह ठहर नहीं पाओगे, उस श्राप की गति भी बाध्य हो गई देवी। और सहज विमल मन से नारद जी की समाधि लग गई, समाधि लगी बस नारद जी की, और जैसे ही समाधि लगी तो देवराज इंद्र डराई गए। लगता है नारद जी मेरा देवराज का पद चाहते हैं, इसलिए तो समाधि में लगे हैं, तृप कर रहे हैं। देखो कमजोर व्यक्ति हमेशा अपने पद के लिए बड़ा शशांकित रहता है और जो योग्य है उसे पद का लोभ नहीं, जाए तो हम फिर अपनी योग्यता से वर्ण कर लेंगे। अरे गोस्वामी जी तो बड़े रुष्ट होते इस प्रसंग में, कहते हैं, उपमा देते हैं कि बाबूजी, अरे इधर देखिए मेरी तरफ,
यहाँ इस प्रसंग में गोस्वामी जी क्या कहते हैं, देवराज क्या सोच रहे हैं नारद जी की तपस्या पर? कहते हैं एक ग्राम सिंह, ग्राम सिंह समझते हैं है? ग्राम सिंह नहीं समझते, स्वान समझते हैं, स्वान माने आजकल नहीं लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, डॉग का नाम है मैक्स जैकी, तो हम तो नहीं ले सकते हैं। एक स्वान संस्कृत में कहते हैं ग्राम सिंह, ग्राम का अर्थ है गांव का, सिंह माने शेर, गांव का शेर कौन है? डॉग महाराज, डीओजी डॉग। एक ग्राम सिंह अपने मुंह में हड्डी दबाकर जा रहा है बाबूजी, ओ जा रहा है, सामने से शेर चला रहा है, शेर अपनी मदमस्त चाल में चलता जा रहा है, उस सिंह की दृष्टि कुत्ते पे नहीं पड़ी, लेकिन उस स्वान की दृष्टि सिंह पे पड़ गई, और मान लो शेर ने ऐसे गर्दन भी हिलाई है, तो उस स्वान के मन में विचार क्या आता है, अरे लगता है ये शेर मेरी हड्डी लेने के बारे में सोच रहा है। जिस प्रकार ये सोचते हुए उस स्वान को लज्जा नहीं आती, आज देवराज इंद्र ये सोचते, नारद मुनि मेरा देव पद चाहते, क्या देवराज को लज्जा नहीं आ रही? घबराए देवराज, कामदेव को बुलाया, भैया जाओ। कामदेव गए, विभिन्न प्रकार की काम क्रिया की, लेकिन काम कला कुछ मनुहीन मुनिहीन व्यापी, डर गया कहीं ऐसा नहीं श्राप मिल जाए, जाकर चरणों में गिर पड़ा। भैया यद्यपि काम मेरे मुनि श्रेष्ठ नारद जी को जीत ना पाया, लेकिन जब प्रणाम किया तो काम का स्पर्श हो गया मुनि श्रेष्ठ को, जय जयकार की है, देवलोक में भी जाकर प्रशंसा की है। इधर नारद जी समाधि से जागे, भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी ने पूछा नारद जी कहाँ थे, सारी लीला का बखान किए, कहा प्रभु क्या बताऊं, बस ऐसे राम नाम सुमरण कर रहा था, और बस सुमरण करते करते मैंने काम को जीत लिया। शंकर जी ने कहा बहुत अच्छा बात है, हे मुनि श्रेष्ठ मेरी एक बात मान लीजिए, जो आपने यह कथा मुझसे कही ना, श्री हरि विष्णु के पास जाकर ना कहिएगा, यद्यपि भगवान कौतुकी हैं, पूछे भी तो छिपा जाइएगा, बताइएगा नहीं। हाँ हाँ ठीक है बाबा, आप सही कह रहे हैं, हम नहीं बताएंगे। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहा, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा। जागवलिक जी भरद्वाज जी से कहते, मुनि श्रेष्ठ यद्यपि हितकारी उपदेश दिया था भगवान शंकर ने नारद जी को, लेकिन नारद जी को अच्छा नहीं लगा, नारद जी सोचने लगे बताओ बाबा खुद तो जीत ना पाए, भस्म कर डाले थे, हम जीत लिए तो हमसे जलने लगे। देखो जब कोई जीव अभिमान में ग्रसित हो उसको उपदेश नहीं देना चाहिए, आप कितना सुंदर उपदेश दे दीजिए वो अभिमान में जकड़ा है, वो कहेगा ले जलने लगे, इनका तो मिला नहीं तो हम ही से जलने लगे, उसकी बुद्धि में फिट नहीं होती बात। शंकर जी ने दो गण भेजे साथ में, कहा जाइए नारद जी देखिए क्या क्या करते हैं।